दोस्तों, ये कहावत तो सुना था कि बूंद बूंद से सागर बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि एक एक रुपए से 300 करोड़ बनाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ करीब 2 साल पहले लॉन्च हुई पल्स कैंडी की, जिसने अपने लॉन्चिंग के सिर्फ 8 महीनों में 100 करोड़ और 2 सालों में 300 करोड़ कमा चुकी है। रजनीगंधा पास पास और कैच मसाला बनाने वाली कंपनी DS ग्रुप ने 2015 में इस कंपनी का निर्माण किया था। जिसके बाद से इस कैंडी ने बहुत ही ज़्यादा क्योंकि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़कर लोगों की ज़ुबान पर अपनी जगह कब्जा कर ली। दोस्तों, अब ये भी नहीं है कि भारतीय लोगों ने इस फ्लेवर की कैंडी पहले कभी नहीं खाई हो। इससे पहले भी पार्ले कच्चा मैंगो बाइट ला कर दिखा चुका है, लेकिन पल्स ने इस फ्लेवर को थोड़ी नई रूप दे दी और कच्चे आम के साथ कुछ खट्टे मीठे मसाले इसमें मिला दिए, जो इसके स्वाद को सबसे अलग बनाती है। यहाँ तक कि उस वक्त इसका क्रेज इतना ज़्यादा था कि स्टार्टिंग में लोगों ने इसके पूरे पूरे डब्बे भी खरीद लिए थे, और इन्हीं किन्हीं वजह की वजह से मार्केट में इसकी बहुत कमी हो गई थी। इन्हीं की वजह से मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई भी बहुत कम की वजह से ये ब्लैक में भी बिकने लगा था, और बहुत सी कंपनियों ने तो इसका डुप्लीकेट भी निकालना शुरू कर दिया था। दोस्तों, DS ग्रुप के इस कैंडी ने सबसे पहले अपना कदम गुजरात में फरवरी 2015 में रखा था, जहां लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि जल्द ही इसकी सप्लाई पूरे भारत में की जाने लगी, और देखते ही देखते ये 1 रुपये वाली कीमत की कैंडी ने 300 करोड़ कमा लिए और ओरियो जैसी मल्टीनेशनल कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले 2011 में लॉन्च ओरियो की सेल्स सिर्फ 283 करोड़ रुपये थी। उसके अलावा कोका कोला के प्रोजेक्ट यानी कुक जीरो को सिर्फ 120 करोड़ था। और हाँ, इस कैंडी की एक खास बात यह भी है कि इसके प्रचार पर कोई खास खर्च नहीं किया गया था। इसका टेस्ट ही ऐसा था कि लोगों ने खुद ट्राई किया और दोस्तों को ट्राई करने को कहा, और इस तरह पल्स की डिमांड बढ़ती गई। DS ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ससांत सुराना कहना है कि पल्स अपने टेस्ट की वजह से लोगों की पसंद बनती जा रही है, और अब हम इसे सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के कुछ शॉप्स में बेचेंगे। दोस्तों, अगर हमें अंत में इस कैंडी की सफलता को अगर एक शब्द में बयान करना हो, वो है इनोवेशन। हिंदी में बोले तो नवीनीकरण। पल्स ने भी पार्ले की कच्चा मैंगो बाइट की तरह ही कैंडी बनाई, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ खट्टे मीठे मसाले का टेस्ट डालकर नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारा। और इस दुनिया में किसी आदमी ने कुछ नए आइडिया के साथ कुछ करने के सोचा है, तो उसे ज़रूर से सफलता मिली है। उम्मीद है कि आपको पल्स कैंडी के स्वाद के साथ साथ इसकी सक्सेस स्टोरी भी बहुत पसंद आई होगी। आपको पल्स कैंडी कैसी लगती है, ज़रूर से हमें कमेंट्स में बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।